subscribe, and turn your notifications on. Chapter 5 Penal Code Abetment के बारे में है. Abetment का मतलब है कि किसी भी इंसान को उकसाना या भड़का के कोई काम उससे करवाना, यानी कि अगले इंसान को उकसाना और उकसा के कोई काम करवा लेना. पीनल कोड में सबसे पहला ऑफेंस जो स्टार्ट होता है वो अबेटमेंट के बारे में है. अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट कौन करता है, और अबेटमेंट कैसे की जाती है, और अबेटमेंट की सज़ा क्या है. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इस सेक्शन पे भी हम यही देखेंगे. सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, if offence be committed, voluntarily conceal by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false, respecting such design, if the offence be committed, the punish with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4, and if the offence be not committed, to 1/8 of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence or with both. मतलब ये के अगर आप किसी ऐसे जुर्म की इंफॉर्मेशन छुपाते हैं जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है या मतलब के जेल है, अगर आप अपने किसी एक्ट से किसी जुर्म के प्लान को छुपाते हैं, अगर आप या फिर अगर आप के पास किसी जुर्म की इंफॉर्मेशन है और आप उस जुर्म की इंफॉर्मेशन छुपाते हैं या उस जुर्म की गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो अगर तो वो जुर्म नहीं होता तो तब भी आपको उस जुर्म की सज़ा मिलेगी. और ऐसे में उस जुर्म की, जिस जुर्म को आपने छुपाया होगा, जो मैक्सिमम सज़ा होगी उसका जो 1/8 सज़ा होगी वो आपको दे दी जाएगी, अगर तो वो जुर्म नहीं होता. फॉर एग्जांपल, अगर वो जुर्म हो जाता है तब क्या होगा, तब ये होगा कि तब उस जुर्म की जो मैक्सिमम सज़ा होगी उसका 1/4 सज़ा आपको दे दी जाएगी. तो दोनों कंडीशंस पे अगर जुर्म नहीं होता और अगर होता है, दोनों कंडीशंस पे आपको सजा दी जाएगी और मिलेगी जिस जुर्म को आप छुपा रहे हैं. तो इससे अच्छा है कि आपके पास किसी जुर्म की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको छुपाए ना, आप बता दें, या गलत इंफॉर्मेशन किसी जुर्म की ना दें, तो ये बेहतर है. अदरवाइज आपको दोनों कंडीशंस पे सजा मिलेगी. अगर तो आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर तो वो जुर्म नहीं होता और आपने फिर भी इंफॉर्मेशन छुपाई और गलत इंफॉर्मेशन दी है उस जुर्म के बारे में, तो तब भी आपको सजा मिलेगी. और अगर वो जुर्म हो जाता है और फिर आपने उस जुर्म के बारे में चीज़ें छुपाई हैं और इंफॉर्मेशन आपके पास है, सिर्फ इंफॉर्मेशन, आपने वो जुर्म किया नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो तब भी आपको सजा देगी मिलेगी. और उस जुर्म की जो मैक्सिमम सजा होगी उसमें से ही आपको सजा दी जाएगी. तो अगर वो जुर्म नहीं होता, उसकी जो मैक्सिमम सजा होगी उसका 1/8 आपको मिलेगा, और अगर वो जुर्म हो जाता है देन 1/4 सजा आपको मिलेगी. सेक्शन 120 में कुछ कंडीशंस हैं. नंबर 1, पहली कंडीशन तो ये है कि जो जिस जुर्म को आप छुपा रहे हैं वो जुर्म जो है वो इम्प्रिजनमेंट या उसकी सजा जेल हो. पहली चीज तो ये. आगे अब 3 कंडीशंस हैं. नंबर 1, वॉलंटेरली कंसील बाय एनी एक्ट और इलीगल मिशन, कि आप जानबूझ के अपने किसी एक्ट के थ्रू, कि आप हरकत कोई ऐसी कर रहे हैं, कोई आपका एक्ट कैसे ऐसा है, कोई आपकी मूव ऐसी हैं कि वहाँ कहीं जुर्म हो रहा है, आप उसको छुपा रहे हैं अपने एक्ट के थ्रू. नंबर 2, वॉलंटेरली कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, कि आप जानबूझ के किसी क्राइम होने के प्लान को छुपा रहे हैं. सही है, यानी कि कोई प्लानिंग वगैरह हो रही है, आप उस डिज़ाइन को छुपा रहे हैं.
Number 3, voluntarily conceal, make by any misrepresentation which he knew to be false with respect to such design. For example, के यहाँ पर कह रहा है कि आपसे किसी ने पूछा है कि वहाँ पर दूसरी साइड पे डकैती हो रही है, कहाँ पर हो रही है. आपने कहा है कि नहीं, वहाँ नहीं हो रही, किसी और जगह हो रही है. आपने मिस रिप्रेजेंटेशन दे दी है जानबूझ के. तो यहाँ पर भी इफ डेट क्राइम इज डन, अगर तो इस तरह से कोई क्राइम हो जाता है जो उसकी फिर सजा है, आपको फिर 1/4 सजा मिलेगी. और अगर तो वो क्राइम नहीं होता तो आपको 1/8 सजा दी जाएगी जिस क्राइम को आप छुपा रहे होंगे, जिस क्राइम को आपने बेशक ना किया हुआ, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, आपने वो झूठी इंफॉर्मेशन दी है, बेशक आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन अगर तो वो क्राइम हो जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको 1/4 सजा मिलेगी. और अगर वो क्राइम नहीं होता तो उसके बावजूद भी, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपने झूठी रिप्रेजेंटेशन दी, आपने उस डिज़ाइन को छुपाया, उस प्लान को छुपाया, तो आपको 1/8 सजा मिलेगी. दोनों सूरतों पर सजा आपको मिलेगी. यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए नोइंग डेट थेफ इज अबाउट टू बी डन एट बी हाउस, ए फॉल्सली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर डेट थेफ इज अबाउट टू बी डन इन सी हाउस अ प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन and thereby mislead the police officer with intent to facilitate the commission of the theft. The theft is committing at B house. A is punished under this section. तो यहाँ पर A ने जानबूझ के पुलिस वालों से बोला कि जो चोरी है वो होनी है C के घर में, सही है, हालांकि चोरी होनी थी B के घर में. तो टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन पे पुलिस वालों को उसने भेज दिया. तो यहां पर अगर तो चोरी हो जाती है तो यहां पर इस बंदे ने जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन दी है और गलत बताया, गलत जगह भेज दिया है, हालांकि इसने किसी को कोई उकसाया नहीं, ना कुछ उस तरह से किया, बट इसने एडिंग दी है उस क्राइम के होने पर, तो यहाँ पर उसको 1/4 सजा मिल जाएगी उस क्राइम को छुपाने के लिए. तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो वो क्राइम नहीं होता तो फिर इस बंदे को जिसने झूठ बोला है और जिसने उसको छुपाया है, क्राइम को, उस इंफॉर्मेशन को छुपाया है, तो उसको यहाँ पर सजा जो मिलेगी वो होगी उस क्राइम की जो थेफ्ट की है. थेफ्ट 3 साल की होती है, ठीक है, उसकी उसका 1/8 इसको सजा मिल जाएगी. तो यहाँ पर ये चीज है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन.